मौलवी एक नहीं असि सारे ही मर जाइए कायनात एक लम्हे नाल मर जाइए उस खाक बराबर नहीं जिथे हुजूर एक बारी पेशाब मुबारक फरमाया। तुम्हें पता ही नहीं है हुजूर की इज्जत आबरू का, और जनाब हमें तुम तबलीगे करते हो और हमें जनाब वो दबाने की, जी ये मौलवी लब्बैक वाले क्या चाहते हैं। मैं कहा जब तक लब्बैक वाले सी जिंदा ना ए काम नहीं होना, हाँ ए नहीं होना कम, हाँ ए काम नहीं होना, हाँ जी बिल्कुल नहीं होना। असें जिंदगी नु कुछ नहीं करना, असें जिंदगी नु हजरत खुबैब बिन अदी की कबर है जी, कितना निशान हजरत खुबैब बिन अदी सहाबी रसूल की कबर का निशान है। मुशरकी ने मक्का ने आप सूली उत्ते बधया, पहले सूली उत्ते बन के ना फिर उन्हें पूरे अरब नु बुलाया, उन्हें क्या इमाम अल-अंबिया दे गुलामा ने जिदा जिदा बंदा मारिया जिन्हों जिन्हों नुकसान पहुंचाया, एक गुलाम काबू आ गया खुबैब बिन अदी, असी नु बन दिता है सूली उत्ते, आओ ते तलवारा ते नेजे लियाओ ते छुरे लियाओ ते चाकू लियाओ ते तीर लियाओ, एक बंदे को तुसी बदला लवो, तुसी सोच सकते हो एक बंदे को कितना बदला उन्हें ले होना। सब तो ज्यादा जुलम खुबैब बिन अदी नाल होया, उन्हें कैंचिया नाल आके आप दा एक एक जिसम कटिया और आपने फिर तख्ता दार उते तराना पड़िया। मक्का तो हुजूर बहुत बाद च फतह होया ना जी, आम नो जिथे मकामे तनईम है ना मस्जिद ऐशा, इस मकाम उते आपने तख्तादार जदो आप दो जिसम कट रहे सन ना और दूरों हट के निशाना बन रहे सन, लो तो नहीं सी ना खुबैब बिन अदी दा जिसम तो इंसान वाला ही सी ना, दूरों हट के उन्होंने निशाना बाज, दूरों हट के आपते तलवारा नाल आपते छोड़े ला रहे सन, एक एक जिसम ने एक छोड़े जिवें लकड़ी के छोड़े ला देन, इंज ला रहे सन ते आप इंजे तख्तादार उते बधे हुए सन। आपने उन्होंने वेख के फरमाया तुम क्या समझते हो कि मैंने जिनका कलमा पढ़ा है मैं बेवफाई कर जाऊंगा। आपने तख्तादार उते फिर तराना पढ़िया और तराना ता महफूज रह गया कि हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही बाद जदों मुसलमान होए तो हिम्स के गवर्नर बने तो फारूक आजम को शिकायत आई भाई गवर्नर नु मिर्गी की बीमारी है, चार शिकायत ए उलमा बयान करो और क्यों ना बयान कर दे तुसी सियासत। उन्हें क्या रसूलुल्लाह 10 साल खुद सियासत की थी, मिंबर ते भी हुजूर ही बैठे, तख्त ते भी हुजूर ही बैठे, अदालत भी रसूलुल्लाह दिया सन, बाजारा भी हुजूर दा दीन सी, क्यों नहीं तुसी बयान कर दे। कमेटियां कहदियां मौली साहब तुसी सियासतदान हो गए हो, उन्हें क्या जिस नबी का मैं कलमा पढ़िया वह नबी ने सियासत की थी। ये हुजूर तां गल महफूज रह गई कि सईद बिन आमिर जेडे उस मौके पर मौजूद सन ना जो कलमा नहीं सी उन्हें पढ़िया, बाद च उन्हें कलमा पढ़ लिया, उन्हें फिर सहाबा नूं दस्या सी कि उन्हां नाल ते आप नूं जदों हजरत उमर को चार शिकायत आईया ना बई नूं मिर्गी की बीमारी, हजरत उमर ने हिम्स तो तलब किया। मैं जदों हिम्स की हदूद दाखिल होया ना जी मुल्क शाम जदों मैं गए सी तो मेरी अखर रोन लग पईआं सन कि ऐ ओ शहर है जिहदे विच गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही, कबर मैनू नहीं मिली, मैं उत्थे हाजरी जरूर दी खालिद बिन वलीद की कबर ते, आप दी कबर मैं मिल गई, मैं उत्थे हाजरी दीती। बहरहाल सईद बिन आमिर अल जुमही जदों हजरत उमर को आए ना चार शिकायत सन, उन्हें विच एक मिर्गी की बीमारी, आपने फरमाया तुहानू मिर्गी की बीमारी रोजाना डह पाउंदे हो बेहोश हो जाते हो, आपने अर्ज की थी नहीं, उन्हें कहा फिर बेहोश क्यों होंदे हो, फरमाया जदों सईद बिन आमिर अल जुमही का जिसम कटिया जा रहे सी ना सूली ते बन के उस वेले मैं मौजूद सी ते मैं जदों तसव्वुर करना मैं बेहोश हो जाता, इतना बड़ा जुलम होया सी हजरत खुबैब बिन अदी नाल। जलियो ते अज हुजूर नाल प्यार करो, अज मौका है, जांदे जांदे एवें भी मौत आ जानी लेकिन चज ली ते आवे ना यार, जे जबान उते लब्बैक दा नारा होवे ते मौत आ जाए। तो मैं गल जड़ी करन लगा, मैं जड़ी गल करन लगा, खुबैब बिन अदी ने तख्तादार उते तराना पड़िया, सुना देवां لقد جمع الاحزاب حولي ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبد العداوة جاهد علي لاني في وساكن بمضيعي وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي نما بي هزار الموت اني لميت ولكن هزاري جحم نار ملفعي جب آپ دا جسم کٹ رہے سن تے اس شعر دا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا موت تو ایک دن آنی ہے نما بي هزار الموت اني لميت فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا ولكن هزاري جحم نار ملفعي میں تے اس جہنم دی اگ دے شولے کولو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ وچ لے لوے گا
हाँ फरमाया मौत से मैं नहीं डरता, मैं तो उस आग से डरता हूं कि हुजूर से बेवफाई हो गई तो फिर क्या हो। आगे वकद बदौ लहमी वकद या समस्माई वकद या समतमाई।